आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम फॉर्मूला की क्लासेस ले रहे हैं, और हमने कल की क्लास में टेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बताए थे। आज हम टेक्स्ट फॉर्मूला को आगे कंटिन्यू करते हैं, उसमें कुछ होने वाले प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन देते हैं, जो कि हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था। तो कल सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया था कि हमारे पास नाम है, जैसे मैंने लिखा सुजीत कुमार और सिंह, तो हमारे पास तीन नाम है। मुझे इन तीनों नामों को अलग अलग करना है, कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम को अलग अलग करना है। तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फाइंड का, जो कि हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें हम स्पेस देते हैं और हम सिलेक्ट करते हैं अपना डेटा एंड कॉमा वन। तो ये बताता है कि हमारा जो स्पेस है वो कितने कैरेक्टर पे है। अब मुझे इसकी दूसरी स्पेस काउंट करनी है। तो आप पहले समझिए कि जो फाइंड में हम ये दिए, कैरेक्टर हुआ, ये लोकेशन हो गया, ये जो आपका वन है, ये वन होता है पोजीशन। ठीक है, वन क्या होता है? पोजीशन होता है। तो ये पोजीशन जो है ये आपका वन है। तो अगर मैं यहाँ पे, मतलब कि ये जो ढूंढना स्टार्ट करेगा वो पहले करेक्टर से स्टार्ट करेगा, मतलब कि वन से स्टार्ट करेगा। तो मैंने एक और फाइंड लगाया, उसमें स्पेस दिया और हमने इसको सिलेक्ट करके हमने बोला कि तुम जो ढूंढना स्टार्ट करो वो पहले स्पेस के अगली करेक्टर से करो। जो पहले स्पेस की पोजीशन थी उसमें हमने प्लस वन कर दिया और हमने बोला कि तुम उसके बाद से ढूंढना स्टार्ट करो। तो 13 आ गया, मतलब पहली आपका 7 है और दूसरा स्पेस आपका 13 है। तो हम यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे कि फाइंड टैग सेलेक्ट किया, फाइंड मतलब लेफ्ट का, माफ कीजिएगा, लेफ्ट इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला पहली स्पेस माइनस वन, तो हमारे पास लेफ्ट आ गया। मिड के लिए हमने बोला कि मिड इसमें से, मिड स्टार्ट कहाँ से है, तो हमने बोला पहले स्पेस के बाद से स्टार्ट है। तो मिड कितना करेक्टर का है? तो दूसरा स्पेस माइनस पहला स्पेस, दूसरा स्पेस माइनस पहला स्पेस, ये आपका मिड आ गया। और राइट की यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और हम बोलेंगे कि इसकी जो कंप्लीट लेंथ है उस लेंथ में से माइनस करो दूसरा स्पेस। तो हम तीन नाम को स्पेस के हिसाब से अलग अलग फॉर्मूले से कर देंगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हेलो। नो सर, सर एक चीज़ है सर, क्या ये फॉर्मूला उसमें ही वर्क कर जाएगा? अगर मैं नीचे केवल लिख दूँ सुजीत सिंह, तो अगर हाँ, मैं इसे ड्रैग करूँगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं वहां पे वर्क नहीं करेगा सर। ये तीन नाम होना चाहिए। अगर आपने लिख दिया सुजीत सिंह तो एरर हो जाएगा, फर्स्ट नेम तो दे देगा लेकिन लास्ट नेम में एरर हो जाएगा। तो अब अगर मैं ऐसा आपको जैसे उसका सलूशन बताता हूँ। चलिए वेट कीजिए ना सर। जैसे सुजीत कुमार सिंह है और यहाँ पे सुजीत सिंह है, तो मुझे इसमें से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करना है। और नाम तीन हो जाते हैं, दो हो सकता है, तीन से ज्यादा होगा तो वहां पे भी वर्क नहीं करेगा सर। फिर उसके लिए वो वीवीएम वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया लेफ्ट का, इसको सेलेक्ट किया और हमने फाइंड और इसको सेलेक्ट करके कॉमा वन कर दिया, जैसे नॉर्मली करते हैं, और माइनस वन कर दिया। लेफ्ट तो सबका सेम है, तो लेफ्ट के लिए हमने बोला, तो लेफ्ट हमारे पास आ गया। अब राइट के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाया राइट। अब राइट का दो लगेगा, एक राइट होगा कि राइट इसमें से इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस फाइंड स्पेस, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ वन के जगह पे मैं एक और फाइंड लगा देता हूँ, फाइंड कॉमा वन प्लस वन, तो ये आपका राइट अलग कर देगा। सिंगल अलग कर दिया, लेकिन जब दो नाम होगा तो एरर आएगा। तो
तो हमारे पास एक राइट फ्रॉम और लगाएंगे कि राइट कॉमा इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस पहली स्पेस, फाइंड स्पेस और इसको सिलेक्ट करके कॉमा वन कर दिया, वर्क करेगा। और दोनों को कंबाइन करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ एरर का, If error, और इसको सिलेक्ट करके हमने स्पेस कर दिया। इफ सॉरी इफ एरर में इफ फॉर्मूला डाल देता हूं, कॉपी अब परफेक्ट हो गया। अब फर्स्ट दो नाम हो या तीन नाम हो दोनों पे वर्क करेगा सर, समझ आ गया सर? सर ऐसे नहीं हो सकता, जैसे ये यहाँ नेम लिखा है आपने, उसके आगे मैं लिख रहा हूँ कॉलम फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे नाम तीन वाले भी हैं दो वाले भी हैं, तो मैं जब ड्रैग करूँ तो फर्स्ट नेम सबका होगा ही, वो भी आ जाए, और अगर जिसका मिडिल नेम है वो आए और जिसका मिडिल नेम नहीं है उसमें स्पेस मतलब ब्लैंक ही आ जाए, और लास्ट नेम है तो सबका आ जाएगा। हाँ तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें बस इफ एरर लगा के ब्लैंक कर दीजिए। ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ मिड का लगाया हुआ है ना सेम लगेगा इसमें, और जो राइट के लिए फॉर्मूला मैंने ए लगाया है ए राइट का फॉर्मूला लगेगा सर, और मिडल मिडल नेम के जगह पे सिर्फ इफ एरर से ब्लैंक कर दीजिए। ठीक है ठीक है, समझ गए ना? ओके समझ में आ गया आपको? अब चलिए टेक्स्ट में कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं उसको एक बार देख लेते हैं जो हमने छोड़ दिए की नहीं किए नहीं किए क्लीन कोड हो गया कॉन्गनेट हो गया डॉलर और एग्जैक्ट फिक्स तीन फॉर्मूले उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले फिक्स और डॉलर को पढ़ते हैं। जैसे आपने कोई फॉर्मूला कोई नंबर डाला, अब इस नंबर पे अलग अलग फॉर्मेटिंग हो सकते हैं ना सर, तो यहाँ पे अगर आपने डॉलर का लगा दिया तो क्या हो जाएगा कि डॉलर में चला जाएगा और इसके ऊपर किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग जैसे कि आप यहाँ पे परसेंटेज वेंटेज कुछ भी करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, और विदाउट डॉलर चाहे तो फिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। फिक्स तो फिक्स में भी ऐसा होगा, इसका यूज कब करते हैं जब हमारे पास जो प्रिंटेबल जो अमाउंट वगैरह होते हैं या चेक वगैरह हम प्रिंट करते हैं तो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि गलती से कभी इसका फॉर्मेट चेंज ना हो। उसके बाद बात है एग्जैक्ट फॉर्मूले की, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया राम और यहां पर मैं लिख दिया राम, अब दोनों फॉर्मूला एक जैसा नहीं है, ठीक है, दोनों फॉर्मूला हमारा एक जैसा नहीं है, तो नॉर्मल इफ जो है इन दोनों को बराबर समझता है कि हाँ बोथ आर द सेम, नॉर्मल इफ दोनों को बराबर समझता है, लेकिन लेकिन अगर मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट मैच करना तो इक्वल एग्जैक्ट करता हूं एग्जैक्ट और इसको सिलेक्ट कर लिया कॉमा इसको सिलेक्ट कर लिया, अब दोनों सेम होंगे तभी बराबर होगा अदरवाइज बराबर नहीं होगा। ठीक है सर? क्लियर है सर?
जब दोनों बराबर होगा तभी एग्जैक्ट मैच होगा। अब इसमें आगे अगर हम बढ़ते हैं फॉर्मूले में, तो यहां पे एग्जैक्ट हो गया, फाइंड हमने कर लिया, फिक्स कर लिया, लोअर अपर हमने किया ही था। अब वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई नंबर जो है टेक्स्ट में डला हुआ है, टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो आपके पास एक फॉर्मूला है वैल्यू का, जिसको वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर वैल्यू का, तो इसको आप नंबर वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों कोई सेम है, कोई खास नहीं है, दोनों में अंतर नहीं है। स्ट्रक्चर का अंतर है, बाकी हर चीज सेम है। पावर हमने रिप्लेस पढ़ लिया, राइट पढ़ लिया, सर्च। यहाँ पे देखिए टी, एक टी फॉर्मूला है, उसको हम पढ़ते हैं। जैसे आपने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स में करेक्टर्स है कॉलम में, तो आप यहाँ पे इक्वल टी का फॉर्मा लगा दें तो नंबर को वो शो नहीं करेगा, सिर्फ टेक्स्ट को शो करेगा। और उसी तरह से एक फॉर्मूला आपके पास एन है, जो कि नंबर को शो करेगा, टेक्स्ट को जीरो कर देगा। क्लियर सर? जी सर। तो टैक्स कैटेगरी के सारे फॉर्मूले कवर कर दिए, रेस्ट ऑफ द एक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हमारे पास है रैप्ट का। जैसे करेक्टर ए लिखा और मैंने फॉर्मूला लगाया रैप्ट का, और मैंने बोला कि ये 5 times रिपीट हो जाए, ये 5 times रिपीट हो जाएगा। जितना नंबर आप डालोगे उतना नंबर रिपीट हो जाएगा। अब इसी में आपका रिसर्च है। रिसर्च क्या है कि आप इस रैप फॉर्मूला का कम से कम एक या दो ऑफिशियल यूज बताएं कि एक्चुअली हम इसको ऑफिस में क्या यूज करेंगे। ठीक है रक्षित जी? जी सर। इसको करके मुझे भेजिए, फिर कल हम आपके साथ डेट एंड टाइम फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो टेक्स्ट कैटेगरी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अगर टेक्स्ट कैटेगरी के और भी एग्जांपल चाहिए होगा, या कुछ नया एग्जांपल आपने कहीं देखा होगा, तो आप मुझे बताइएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है जी सर। जी ओके। गुड नाइट। गुड नाइट सर।